तो एक बार ऐसे ही मेरा सामना हो गया आतंकवादी से। मैंने उनसे बोला, माननीय आदरणीय आतंकवादी जी, और दंडवत प्रणाम किया और उनसे बोला कि आदरणीय, कभी हमारी उज्जैन में भी बम ब्लास्ट करो यार। तो उनने कहा, भाई देख, हमने है ना 5 से 6 बार कोशिशें की बम ब्लास्ट करने की, लेकिन होता ये है कि हमारा एक प्रोसीजर रहता है कि हमारा एक बंदा जाता है भीड़ भाड़ वाले इलाके में, गाड़ी खड़ी कर देता है, उसके बाद दूसरा बंदा जाता है, वो उसमें बम फिट करता है, उसके बाद तीसरा जाता है जो उस बम को ब्लास्ट कर देता है, लेकिन पता नहीं साला कोई चौथा बंदा आके वो गाड़ी उड़ा जाता है यार। अब इतना बजट तो अपने पास है ही नहीं, क्योंकि पहले से गरीब है, बीपीएल से तो खाना पीने का जुगाड़ चला रहे अपना। एक बार मैं एक फंक्शन में चले गया, वहाँ पे वेट चेक करने की मशीन लगी हुई थी साइड में, उसमें यह था कि सिक्का डालो, वेट चेक करो। तो मैंने सोचा यार अपन भी देख लें, दूध वाले हैं, हो ही रहा है मोटा, तो देख लेते हैं कितना क्या वेट बढ़ा। मैं गया, मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी, बढ़िया सी केप लगाए, ओवरकोट पहने, शूज पहने, वो चढ़ी, वेट आया 60 kg। साइड में देखा, कोई नहीं दिखा, पीछे मैं खड़ा था, पीछे देखा, फिर उसने ओवरकोट उतारा, खड़ी हो गई, वेट आया 58 kg। फिर इधर उधर देखा, फिर सिक्का डाला, फिर वेट आया 56 kg। फिर उसने केप उतारी, शूज भी उतार दिए, अब मैडम के पास सिक्के हो गए खत्म। मैंने कहा, मैडम टेंशन मत लो, अपन दूध वाले, अपने पास बहुत सिक्के हैं। पर भाई तू एक्चुअल रेट बता दे चोरी का। सब चीटर थे, सब चीट ले लेके आ रहे थे, अपन भी कोई कम बड़े चीटर नहीं है, देखो चीट हाथ में लेके चल रहे हैं। अब दूसरा क्या, ये क्या यार, इतना लेट बुलाया मुझे, ये आधा 8 से मिनट खत्म ही हो गया यार। कुछ लोग होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, बंदे को स्वेक देखो आप। अभी तो मोदी जी ने बढ़िया काम कर दिया, शौचालय बनवा दिया घर में, नहीं तो निकल जाते थे बिना लोटा लेके, बोले बारिश हो ही जाएगी। पर गधों को इतनी अक्ल नहीं है कि बारिश हो भी जाएगी तो उल्टा तो आपको होना पड़ेगा। ने अगर मान लो ऐसे लोग शिमला में चले जाएं, ने अगर बर्फबारी हो जाए तो हल्के होने के सारे साधन बंद हो जाए उनके। तो अब आखिरी बात करेंगे अपन पिज्जा की। ठंड का टाइम है, पिज्जा खाने जाओ तो देख परख के खाना, और जो पिज्जा बनाए ना उससे जाके एक बार पूछ लेना, भाई सर्दी तो नहीं है, नहीं तो पता चलेगी तुम को भी पिघला हुआ चीज समझ के खा जाओ।